दूर हो गया। जो समस्या 2017 के पहले था वो समस्या अभी नहीं। पानी की समस्या को लेकर आए, आप जीत भी गए, जनता के बीच आप खड़े भी उतरे हैं जी। इस बार फिर चुनाव होना है, अगर जनता आपको दोबारा चुन लेती है जी, तो क्या कुछ नया आप करने जा रहे हैं, क्या कुछ काम करने जा रहे हैं इस बार? देखिए है क्या कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है हर नल जल योजना, जिसके तहत कुछ काम अब शुरू होने वाला है। चंद महाराज नगर, हजारी मोहल्ला, रानीपुर, गल्ला गली, हरनाहा टोला, लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, इन जगहों पर हर नल जल योजना का शुभारम्भ होने वाला, शिलान्यास हो गया। तो जिन मोहल्ले में ये हो गया तो वहाँ तो पानी का समस्या 100% दूर हो जाएगा, लेकिन जो मोहल्ले बच गए हैं उन मोहल्लों में हम मैंने मेरा ये रहेगा कि सब जगह, मैंने एक भी घर ऐसा नहीं हो जहाँ कि ये नल का जल के लिए कोई परेशान हो। तो फिर मेरा एक रहेगा कि हर घर में पानी सुविधा, एकदम पक्का सुविधा जल पहुँचे एक, हाँ हर घर। दूसरा एक समस्या है जो कि इस कार्यकाल में नहीं हो पाया, वो था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहर में लागू हुआ, लेकिन हम लोग उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाए। बहुत कुछ इसलिए नहीं कर पाए कि ये तो केंद्र का योजना है, केंद्र से राशि आना है, स्टेट गवर्नमेंट को राशि फिर नगर निगम को भेजना है, नगर निगम में जो आवास जो ऑफिस है वहाँ से हम लोग के बाद में आना है। तो बहुत कुछ बने इसमें सरकार नहीं कर पाई, इसलिए हम लोग को इसमें बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला। तो मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि जब अगर अगले बार हम जीत के आते हैं तो जो गरीब, जो शहरी गरीब लोग हैं उसको आवास योजना का लाभ। तो इसमें भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि जिनके पास ज़मीन है उनको सरकार पैसा मुहैया कराएगी। दूसरा कैटेगरी है कि जो भूमिहीन है, जिनके पास ज़मीन भी नहीं, उनको भी सरकार आवास मुहैया कराएगी। ये दो कैटेगरी है। हम लोग के यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना ज़मीन भी नहीं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उनको। इन सारे मांग को लेकर आप मंत्री जी के पास जाएंगे, जो भूमि सुधार मंत्री बने हैं आरोप में था, हालांकि उन्होंने इन सारे मांग को लेकर आप मंत्री जी के पास जाएंगे, जो भूमि सुधार मंत्री बने हैं आरोप में था, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम आ गए हैं तो गरीबों को जमीन मिलेगा। देखिए है क्या कि पिछली बार भी हम लोग मंत्री महोदय से मिले थे, आश्वासन तो पिछले मंत्री भी दिए, लेकिन रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं। आश्वासन ही रहेगा, हाँ अब मैंने अब तो आप इसको यही कह सकते हैं कि पिछले बार भी हम लोग मिले थे, पिछले बार भी हम प्रयास किए थे कि ये काम बन जाए, लेकिन हो नहीं पाया। देखिए अब नए मंत्री आए हैं, अब उनके मैंने उन पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक इसमें सफलता मिलेगी। जनरल योजना तो कहाँ तक, कितना आपके वार्ड में जमीन से उतर पाया है या कुछ कमी रह गई है? नहीं, देखिए है क्या ना कि 2017 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो जहाँ भी चुनाव लड़ने जा रहे थे, चुनाव के लिए वोट मांगने जा रहे थे, तो उस समय पब्लिक का सबसे बड़ा एक समस्या था पानी का। जब जहाँ भी जाते थे लोग बोलता था कि पानी मिलता ही नहीं है, खाली लोग वोट मांगने आता है। मैंने आश्वासन दिया था अपने जनता को कि अगर हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले ये समस्या का निदान करेंगे। तो जब चुनाव हम जीत के आए तो ये मैंने लगभग 25 को समरसेबुल बोरिंग कराया गली मोहल्ले, तो पानी का समस्या इससे कुछ हल हुआ। जो हाई एल्ड बोरिंग है उसको हमने पास कराया है, जो मुगलपुरा चौकी में लगने वाला है। हालांकि प्रोसेस उसमें यह है कि हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन है नहीं, समझ गया ना, तो सरकारी ज़मीन है तो मात्र मुगलपुरा पुलिस चौकी। तो पुलिस चौकी में जब हम लोग बोरिंग करने गए तो पुलिस वाले ने ऑब्जेक्शन करा दिया कि नहीं, अभी जब तक हमारे सीनियर एसपी नहीं आदेश करेंगे तब तक हम लोग आपको बोरिंग करने नहीं देंगे।
तो पिछले 2-3 महीने से हम लगे हुए हैं कि सीनियर एसपी का आदेश हो जाए, नगर निगम टेंडर कर दिया, वहाँ के जो स्कूटीनियर है वो चिट्ठी भी दिए थाना प्रभारी को, फिर भी उन्होंने नहीं माना, बोले कि जब तक हमारे पदाधिकारी नहीं कहेंगे तब तक हम आपको वहाँ बोरिंग करने नहीं देंगे, जबकि ऑलरेडी वहाँ बोरिंग है, पहले से बोरिंग है एक, जिसका की स्थिति जर्जर है, वो किसी भी दिन बंद हो जा सकता है। लेकिन अब जब तक सीनियर एसपी वहाँ से आदेश करेंगे नहीं तब तक बोरिंग नहीं, लेकिन आज हो या 10 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद हो, हर हाल में वहाँ बोरिंग होना है, बड़ा वाला बोरिंग। जब वहाँ बोरिंग हो जाएगा तो लगभग 20,000 की आबादी जो है, 20,000 की आबादी को पानी उपलब्ध होने लगेगा। परिचय अपना। जी, मेरा नाम आनंद मोहन पप्पू हुआ, मैं पार्षद निवर्तमान पार्षद, पार्षद तो हूँ नहीं, निवर्तमान पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 63। पार्षद जी, हम लोग जब यहाँ आए तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए थे, शायद कुछ काम करवाने के लिए आए थे, ये कौन कौन सी काम करवाने के लिए आए थे, क्या क्या समस्या को लेकर आए थे आपके पास, जबकि अभी आप पद पे हैं नहीं, इसके बावजूद भी लोग आपके पास आते हैं, थोड़ा डिटेल बता दें। देखिए है क्या ना कि पार्षद, सबसे पहले जानना है कि पार्षद है क्या, है ना, मतलब जो गली मोहल्ले में जो लोग राजनीति करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, जब वो चुनाव जीत के आता है तो पार्षद कहलाता है, तो हम इजीली अवेलेबल हैं पब्लिक को, हमारे क्षेत्र के जो विधायक होते हैं, किसी भी क्षेत्र के विधायक एमपी, वो साधारण तो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो जिन जनता का जो भी समस्या है, छोटा बड़ा जो भी समस्या, उसके लिए वो हर पार्षद के पास आता है, मेरे पास आता है ऐसा नहीं, हर पार्षद के पास लोग जाता है, तो जो छोटा मोटा समस्या होता है गली मोहल्ले में वो हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए लोग आते भी। अभी जैसे विगत पिछले 10 दिन से हड़ताल था नगर निगम का, हड़ताल था तो कूड़े का अंबार लग गया, बारिश का भी मौसम है, बारिश भी हो रहा था, तो सब लोगों का जो पब्लिक तो परेशान था, तो अभी तो है क्या कि कल हड़ताल टूटा है तो सफाई का काम पूरे स्तर पर चल रहा था कि ये जो 10 दिन से जो अंबार लगा है कूड़े का वो साफ सफाई हो जाए, बाकी लोगों का जो छोटा मोटा काम है, राशन कार्ड है या किसी के यहाँ कोई हॉस्पिटल का काम है या राशन दुकानदार सही उसको राशन नहीं दे रहा है या पैसा ज़्यादा ले रहा है, लोग साधारणतः इन्हीं मुद्दों को लेकर आते हैं। हाँ, जो छोटे मोटे जो मुद्दा है, तो लेके यहाँ पानी का समस्या है, कहीं जो हम लोगों ने लाइट लगाया है कहीं पर लाइट बुझ गया है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, तो ये जो समस्या है उसी को लेकर पब्लिक मुद्दा हम लोग बताए। पानी की बात करें तो जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल योजना, वो तो कहाँ तक, कितना आपके वार्ड में जमीन से उतर पाया है या कुछ कमी रह गई है? नहीं, देखिए है क्या ना कि 2017 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो जहाँ भी चुनाव लड़ने जा रहे थे, चुनाव के लिए वोट मांगने जा रहे थे, तो उस समय पब्लिक का सबसे बड़ा एक समस्या था पानी का। जब जहाँ भी जाते थे लोग बोलता था कि पानी मिलता ही नहीं है, खाली लोग वोट मांगने आता है। मैंने आश्वासन दिया था अपने जनता को कि अगर हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले ये समस्या का निदान करेंगे। तो जब चुनाव Check the mic and make sure it sound right, boys.